तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट का जो क्रिएटर स्टूडियो है दोस्तों, इसमें आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप लोग इसमें पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आप लोग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते होंगे। यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट पर आकर यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो पर आप क्लिक करते होंगे फ्लिपकार्ट का जो होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ अर्निंग में क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब आपको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ऐड करना है। सबसे पहले दोस्तों इसको जो होता है आपको शॉपसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको शॉपसी टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग अर्निंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ पे अकाउंट पर क्लिक करेंगे, या दोस्तों आप लोग यहाँ अकाउंट पर क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, मैं अकाउंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, माई बैंक अकाउंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, तब आप लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट अपना ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम डालना है, जिस तरीके से आपका अकाउंट में जिस तरीके से नाम होगा, और एड्रेस में जिस तरीके से आपका आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है उसी तरीके से आपका एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पिन कोड आपको डाल देना है, 6 डिजिट का होता है आपके आधार कार्ड में लिखा रहता है। उसके बाद दोस्तों सिटी, उसके बाद स्टेट डाल देना है, सिटी और स्टेट भी आपके आधार कार्ड में लिखा रहेगा। तो ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, जिस तरीके से बैंक अकाउंट में बैंक होल्डर नाम, अकाउंट में जिस तरीके से नाम है वो नाम डालना है। उसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना है, जिस तरीके का अकाउंट नंबर है, जो अकाउंट नंबर ऊपर डालेंगे वही सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों IFSC कोड आपको डाल देना है, IFSC कोड आपके पासबुक में भी लिखा रहेगा। ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ आपको सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, अभी पेंडिंग में है, ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कितने दिन में हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये मैसेज भी आ चुका है, 1 रुपया अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है, तो मतलब ये बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अभी पेंडिंग में बता रहा है लेकिन ये हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये बैंक अकाउंट ऐड भी हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से ऐड कीजिएगा।